हॅलो हॅलो चेक तर सामन्याला सुरुवात होती बॉलिंग मार्कवरनं सज्जात. यावेळेस फुल टॉस चेंडू उडवला हवेत निघून जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार सहा धावा. षटकार येतोय सहा धावा येत आहेत. सज्जाद सज्ज होईल आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं. पुढचा चेंडू आपटून टाकलेला चेंडू डाव्या एसटीवर राहिला आहे तिकडनं आणखी बाहेर निघतोय पंचा विरल नायर. दोन्ही हात समांतर रेषेत अंतर इशारा करताना वाईट चेंडू आहे. अतिरिक्त चेंडू आहे. धावफलकात वाढ होती आहे. धावफलकात भर होती आहे. धावसंख्यक पुढे सरकते पुढे सरकून त्यावेळेस चांगल्या पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळतोय. निर्धावच्या स्वरूपानं डॉटच्या स्वरूपानं निघतोय. चांगली गोलंदाजी निश्चित स्वरूपानं आपल्याला पाहायला मिळते. चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी आपण अनुभवतोय. सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं गोलंदाज आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन जाण्याकरता. सज्जात चांगला मारा करतोय. सज्जात आत्तापर्यंत अचूक लाईन आणि अचूक टप्पा त्याने आत्मसात केलाय. तो सज्जात उडवलाय चेंडूला पुन्हा एकदा उंच भरारीवर एक मोठा फटका. षटकार सहा धावा. षटकार येतोय सहा धावा येत आहेत. या षटकारानं धाफलकावर नजर टाकली तर 21 महागडा ठरलाय गोलंदाज सज्जात. सज्जातच्या विरोधात आक्रमण केलं गेलंय. हल्ला चढवला गेलाय. जबरदस्त फटकेबाजी आपण सज्जातच्या विरोधात पाहतोय. या आधीचा सामना खूप रंगतदार आपल्याला पाहायला मिळाला. खालो अप्रतिम क्रिकेट त्या सामन्यातनं आपल्याला पाहायला मिळालं. जबरदस्त बॉलिंग अटॅक आपल्याला स्पृहा 11 पाहायला मिळालं. काय लाईननं गोलंदाजी केली स्पृहा 11 गोलंदाजांनी. विशेषतः निलेश सांबरे प्रभावित केलं. निलेश सांबरेनं असं म्हटलं जातं सो सोनार की एक लोहार की. एक तो फटका निलेश सांबरेचा आपण पाहतो. एक गोलंदाजी त्याची अप्रतिम झाली. खूप सुंदर त्यानं ते षटक हाताळलं आणि तो सामना आपल्या खिचात घातला. सज्ज होतोय गोलंदाज मुबारक. यावेळेस हा चेंडू ऑन साईडच्या दिशेने फक्त दिशा दिली. तिथे जोपर्यंत चेंडूला उचललं गेलं एक धाव मिळते. एकेने धावेने धावसंख्या एकनं वाढते. एकेरेनं वाढून धावसंख्या पुढे सरकते जाऊन पोचते 22-22 या धावसंख्येवर. मुबारक खान जो बॉलिंग मार्कवरनं सज्ज आहे. या टीमचा तो प्रमुख हिस्सा आहे. या टीममधला तो प्रमुख गोलंदाज आहे. मुबारक खान जो सातत्यानं चांगल्या पद्धतीचा मारा या टीमकरता त्याने केलाय गोलंदाजीच्या माध्यमातून. त्याची गोलंदाजी खूप प्रभावित राहिली आहे. ओव्हरऑल आत्तापर्यंतची मुबारक खानची कारकीर्द जर आपण तपासली तर मागच्या 12-15 वर्षात मुबारक खाननं खूप चांगली गोलंदाजी केली आहे. 10-12 वर्ष मुबारक खाननं खूप सुंदर क्रिकेट या टेनिस क्रिकेटच्या विश्वातनं दाखवलंय. पुढचा चेंडू यावेळेस चांगला चेंडू होता मुबारक खानचा. पुन्हा एकदा मिस केलं त्या लाईनला. चेंडू यष्टनच्या मागे जातोय. यष्टरक्षकानं सहजतेने चेंडूला टिपलं गेलं. जोपर्यंत उचललं जाईल एक निर्धाव चेंडूची सांगता होईल. आमचे गुणलेखक यावेळेस धीरज झा ती कामगिरी करतायत. यष्टी उद्ध्वस्त क्लीन बोल्ड फलंदाज बाद. मुबारक खानची जी कामगिरी आपण मागच्या काही वर्षापासून पाहतोय ती कामगिरी पुन्हा एकदा सुरू आहे. अचूक टप्प्याचा अचूक लाईनचा चेंडू यष्टनचा वेध घेतोय. फलंदाज जो इनफॉर्म होता तो चांगल्या पद्धतीने धावा धाफलकावर लावत होता तो फलंदाज जमीर यावेळेस बाद होऊन तंबूत परत. सही थोड़ा दूरी बंदा चंदू बनी भरिया करी.
तवीज चांगल्या पद्धतीचा चेंडू, सुंदर पद्धतीची गोलंदाजी. पुन्हा एकदा मुबारक खान आपल्या त्या चांगल्या लाईन वर कारणीत आहे. खूप चांगली गोलंदाजी मुबारकच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. पहिल्या षटकात तब्बल 21 धावा आल्यानंतर मुबारक खाननं फक्त एक धाव खर्च केली आहे. अनुभव काय असतो तो त्यांनी दाखवलाय. त्यावेळेस मोठ्या फटक्याकरता जायचं होतं. चेंडू जमिनी लगत खेळलाय. जमिनीच्या सहारानं चेंडू जोपर्यंत क्षेत्रक्षेत्रापर्यंत पोहोचेल तोपर्यंत एक धाव तिकडे दोन्ही फलंदाजांनी कंप्लीट केलेली असेल. या एकेरी धावेने धावसंख्या वाढेल, एक न वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकेल, जाऊन पोहोचेल ती 23-23 या धावसंख्येवर. चांगली गोलंदाजी आपण मुबारकच्या माध्यमातून पाहतोय. सज्ज होतोय पुढचा चेंडू हाताळण्याकरता. यावेळेस अपील आणि विकेट बाद होईल. संदीप सांबरे प्लमच्या साह्यानं, विकेटचा पतन एलबीच्या साह्यानं मुबारक खाननं यावेळेस बाद केलंय. संदीप सांबरेला माघारी परतावं लागेल. विकेटचं पतन होईल. संदीप सांबरे यावेळेस एलबीच्या साह्यानं बाद होऊन तंबूत परत. तरी ते मात्र आपण जर पाहिलं दोन षटकांचा खेळ संपला. शहजाद पहिल्या षटकातनं महागडा ठरला. पहिल्या षटकातनं शहजादच्या विरोधात हल्ला चढवला गेला. मात्र शहजादवर विश्वास कायमस्वरूपी असेल कर्णधाराचा, कारण या टीमचा एक प्रमुख हिस्सा, वालिव क्रिकेटमधला एक प्रमुख गोलंदाज, डावकरे हातानं खूप वैविध्यतेनं नटलेली गोलंदाजी तो सातत्यानं करतो. खूप चांगला मारा त्याच्याकडनं आपण सातत्यानं पाहतो. अचूक टप्पा, अचूक लाईन लेन तो गोलंदाजी सातत्यानं करत असतो शहजाद. यावेळेस टप्पा खाल्यानंतर चेंडू डाव्या शेवर वळलाय, तिकडनं आणखी बाहेर निघाला पंच विरल नायर. इशारा करताना वाईड आहे, अतिरिक्त आहे. धाफलकात वाढ होईल. धाफलक एकेरीने वाढेल आणि जाऊन पोचेल ती 24 या धावसंख्येवर. तिसरं षटक शहजादच्या हातामध्ये सुपूर्त केलं गेलं. एक अतिरिक्त चेंडू यावेळेस त्यानं हाताळला. एक वाईट चेंडू यावेळेस त्याच्याकडनं पाहायला मिळतोय. यावेळेस चेंडू चांगला टाकण्याचा प्रयत्न होता, उजव्या अष्टीवर टाकला, मात्र तोही अतिरिक्त बाहेर. पंच विरल नायर यावेळेस इशारा करतायत. हाही एक अतिरिक्त चेंडू आहे, वाईड आहे. बॅटच्या स्वरूपानं जरी धावा आता थांबल्या असल्या तरी अतिरिक्त स्वरूपानं धावा खर्च केल्या जात आहेत. जी जमेची बाजू असेल बॅटिंग करणाऱ्या टीम करता. आपण दोन टीममध्ये हा संघर्ष पाहतोय. एका बाजूनं SRS हा चेंडू सरळ क्षेत्रक्षकापर्यंत खेळला गेला होता, मात्र झेल सोडला. गणेश सोमन मला वाटतं तिकडे क्षेत्ररक्षण करतोय आणि गणेश सोमननं यावेळेस एक सहज सोपा साधा झेल सोडला गेला. जीवनदान या चेंडूवर त्यानं दिलंय. झेल होणं गरजेचं आहे. कॅचेस विन द मॅचेस. कॅच जर पकडली जाणार नाही. यावेळेस ऑन साईडला फुल टॉस, चेंडू कन्वर्ट केलाय, दिशा दिली आहे, वेगानं चेंडू ट्रॅव्हल झालाय आणि त्यानंतर चेंडू स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनला क्लिअर करेल. चेंडू निघून जाईल स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चमकार चार धावा. थँक्यू. महत्वाचा सामना आहे. मला वाटतं SRS रायडर्सला विजय अत्यावश्यक आहे. हा सामना जर त्यांना त्यांचं आव्हान कायम ठेवायचं आहे तर जिंकणं खूप गरजेचं आहे. यावेळेस मात्र आला आणि हमला केला चेंडूवर, प्रहार केला, आघात केला, चेंडूला पाठवला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार सहारावा.
घेऊया। सैजात खूप महागडा ठरलाय, आतापर्यंत 33 धावा सैजातनं दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे। त्याच्या वैयक्तिक आणि खर्च केल्यात विकेट ला संधी आहे आणि जेल होईल, आता मात्र विकेट मिळेल फलंदाज बाद। थोडासा महागडा ठरलाय गोलंदाज सैजात, मात्र एक महत्वाची विकेट त्याने घेतली बसता क्लीन बोल्ट फलंदाज बाद। जरी महागडा ठरला असला तरी त्यानंतरच्या गोलंदाजांकरता रस्ता थोडासा सुखकर करतोय, कारण विकेट घेतोय। आता जर विकेट मिळतील, आता जर गुच्छामध्ये विकेट येत आहेत, तर मग यानंतर जे गोलंदाजी करणार आहेत त्या गोलंदाजांकरता थोडासा सोयीस्कर रस्ता असेल, थोडंसं चांगलं षटक हाताळण्याची जबाबदारी मग त्यांच्यावर येईल। कारण फलंदाज जे सुरुवातीचे आहेत त्यांना झटपट माघारी लागलंय, इज ऑन हॅट्रिक, यावेळेस हॅट्रिकची संधी असेल ती गोलंदाज सैजात करता। थँक्यू डीजे। डीजेही आमचे रंगात येत आहेत, बहरात येत आहेत, कारण थंडीचा मोसम आलाय, क्रिकेट बहरलंय। मात्र आता थोड्याच दिवसात लग्न समारंभांना सुरुवात होईल आणि त्याची काही गीतं डीजे कडनं लावली जात आहेत। तर मात्र षटक संपतोय, तीन षटकांचा खेळ इथे कंप्लीट झालाय। या तीन षटकांच्या समाप्ती अखेरीस धावफलकावर जर नजर टाकली तर धावफलक 35 या संख्येपर्यंत जाऊन पोहोचतंय। अजूनही तीन षटकांचा खेळ बाकी आहे, उर्वरित तीन षटकात बघूया कसा खेळ असेल, कुणाला बॉलिंग मार्कवर आणलं जाईल, कुणाला गोलंदाजीची कमान दिली जाईल, कुणाच्या खांद्यांवर विश्वास दर्शवला जाईल। पुनश्च एकदा या टीमचा महत्त्वाचा हिस्सा, या टीममधला एक प्रमुख खेळाडू मुबारक खान आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं सज्ज होईल। मुबारक खान तसा खूप दांडगा अनुभव या खेळाडूच्या पाशी आहे, कारण कित्येक मोठमोठ्या स्पर्धा हा खेळाडू मागील कित्येक वर्षापासून खेळतोय। मोठमोठ्या खेळाडूंच्या विरोधात कशी गोलंदाजी करावी हे त्याला खूप चांगल्या पद्धतीनं माहिती आहे। क्रिकेटचे चढ उतार खूप जवळून त्यानं पाहिलेत, क्रिकेटचा चढ उतारचा खेळ त्यानं खूप चांगल्या पद्धतीनं अनुभवलाय। ऑन साईडला मनीनं यावेळेस प्रयत्न चांगला होता, मात्र शेवटच्या क्षणी मनीला जीवदान दिलंय, मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न, जेल सुटतोय, जीवनदान मिळत आहे, धावसंख्या वाढते, एक न एक रन वाढून ही धावसंख्या जाऊन पोहोचते बरोबर 36 वर। मुबारक खान पुन्हा एकदा सज्ज होईल आपल्या बॉलिंग मार्कवर, षटकातील पुढचा चेंडू हाताळण्याकरता एज घेतलंय आणि विकेट मिळेल, फलंदाजाला माघारी परतावं लागेल, विकेट जबाबदार खेळाडू बाद। मुबारक खान जो बॉलिंग मार्कवर सज्ज झालाय, मुबारक खानचं हे षटक जर आपण पाहिलं पुन्हा एकदा किफायती ठरतंय। मुबारक खान पुन्हा एकदा एक चांगली गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय, अचूक टप्पा आणि अचूक लाईन लिहिन त्याची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते। पृथ्वी वॉरियर्स चे सर्व खेळाडू आपण मुख्य मंचाजवळ यायचंय, यावेळेस चांगला चेंडू होता, फक्त दिशा दिली, एक धाव त्या चेंडूवर मिळवली, ओपन केलं आपल्या स्वतःला, स्वतःचं खातं उघडलं,
37 रन्स ऑन बोर्ड चौथा षटक प्रगतिपथावर असताना मुबारक खानची खूप किफायती. आत्तापर्यंतची या सामन्यातली सर्वोत्तम गोलंदाजी मुबारक खानने केली आहे. खूप चांगली गोलंदाजी त्याच्याकडनं आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळेस मात्र मनीनं चेंडूला उडवलंय. आतला चेंडू मनीला जीवदान दिलंय आणि हे जीवदान आपल्याला मोठ्या समस्यांना सामोरं जाण्याकरता भाग पाडू शकतं. कारण मनी एक कसलेला फलंदाज आहे. मुबारक खानची जी कारकीर्द आहे त्यापेक्षा कदाचित 2-3 वर्ष जास्त या टेनिस क्रिकेटमध्ये मनीनंही घालवले. त्यामुळे त्याला माहिती आहे कसं उभं राहावं, कशा पद्धतीने खेळावं. वन सेकंड मोठ्या फटक्याकरता जाण्याचा प्रयत्न ऑनसाईडला. 2 धावा इथे मात्र मिळतील. या 2 धावांनी धावसंख्या 2 ने वाढेल. 2 ने वाढून पुढे सरकून ही धावसंख्या जाऊन पोचती येते 45-45. मनोज मराठे मनी टेनिस क्रिकेटचं एक मोठं पर्व या खेळाडूनं आपल्या नावावर केलं. आजपासनं 5-6 वर्षापूर्वी, 7-8 वर्षापूर्वीचा कालखंड जर आपण तपासला तर मनोज मराठे या विभागातलंच एक मोठं नाव. खूप जबरदस्त तडाखा या खेळाडूनं त्या काळात दिला. मोठमोठ्या संघांकडनं तो खेळला. हा चेंडू ऑनसाईडला वळवला गेलाय. 2 धावा तिकडनं पुन्हा एकदा मिळतील. या 2 धावांनी धावसंख्या 2 ने वाढेल. दुहेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकते आणि जाऊन पोचते 47-47 वर. खेळ संपला एकंदर षटक क्रमांक 4 चार षटकांचा खेळ इथे कंप्लीट झाला. 4 षटकांचा समाप्ती अखेरीस. धाफलकावर धावसंख्या लागली गेली 47-47 ही धावसंख्या धाफलकावर लागली जाते. येणारी 2 षटकं काय घडेल, या 2 षटकात कसा असेल खेळ, येणाऱ्या 12 चेंडूचा हे आपण पाहणार आहोत. कोण येईल बॉलिंग मार्कवरती आपल्याला पाहायला मिळेल. मात्र त्याआधी आपण ऐकू सारंग बीट्सला. सज्ज होतोय गोलंदाज बॉलिंग मार्कवरनं. पहिलाच फुल टॉस चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षकांच्या मधनं गॅपमधनं चेंडू निघून जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चेंडू सीमारेखा पार चौकार. 4 धावा. वारिस जो फलंदाजी करतो एक चौकार त्याच्या बॅटमधनं आल्यात. 51 धावा या डाफलकावर लागल्या गेल्यात. पुढचा चेंडू. हा चेंडू पुन्हा एकदा चांगला चेंडू होता. डावकरी हाताने गोलंदाजी करतोय आणि फुलर लेनचा वापर गोलंदाज जास्तीत जास्त वेळा करण्याचा प्रयत्न करतोय. हा चेंडू जर पाहिला त्यानं पुन्हा एकदा फुलर लेंथवर त्याला हाताळायचा होता. योग्य ठिकाण्यावर पडला त्यामुळे सिंगलपेक्षा जास्त या चेंडूवर काही मिळणं शक्य नाही आहे. बॉलिंग मार्कवर जर आपण पाहतोय गोलंदाज सालम. सालम डावकुऱ्या हातानं वेगानं मारा करण्याचा प्रयत्न करतोय. 8-10 पावलांचा त्याचा रनअप. शिटशिटीत बांधायचा हा गोलंदाज. आपटून टाकलेला चेंडू त्यावर मिस टायमिंग स्ट्रोक झालाय. झेल होतोय. विकेट मिळेल मनोज मराठे मने. यावेळेस बाद होऊन तंबूत परतेल. एक मोठा हादरा, एक मोठी विकेट, एक मोठा मासा गळाला लागलाय. फलंदाज मनोज मराठे बॅक टू द पॅव्हिलियन बॉक्स. नवसाला पावणारी, हाकेला धावणारी अखंड महाराष्ट्राचं श्रद्धासान. आई एकविरा मातेचं हे गीत आपण डीजेच्या माध्यमातून ऐकतोय. सज्ज होतोय गोलंदाज. यावेळेस पुन्हा एकदा चांगला चेंडू खुदून काढलाय. चेंडूला समोरच्या बाजूने खेळून काढलाय. लॉंगांचा खेळाडू चेंडूवर वेगाने येतोय. जोपर्यंत तो चेंडूला उचलेल तोपर्यंत 1 धाव त्या क्षेत्रातनं मिळेल. जे एकेरी धाव्याने धावसंख्या 1 न वाढते आणि जाऊन पोचते 53-53 या धावसंख्येवर. या षटकाचा जर आपण विचार केला 4 चेंडूचा खेळ संपला. अजूनही 2 चेंडूचा खेळ शेष आहे. पुढचा चेंडू यावेळेस हवेत आहे. चेंडू झेल होईल का आणि सुटला. एक सहज सुप्पा साधा झेल आपण सोडताय. क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा या स्पर्धेने अव्वल दिलाय. मात्र काही संघ आहेत ज्यांच्याकडनं चुका झाल्यात हेही याच स्पर्धेचं एक सत्य आहे. आतापर्यंत 5 चेंडूचा खेळ संपलाय. धावफलक 55-55 धावा. आमच्यासोबत स्कोरर म्हणून राहुलजी घरत साहेब जोडले जात आहेत. त्यांचंही आमच्या समालोचन कक्षामध्ये हार्दिक स्वागत असेल. कारण एक अष्टपैलू कामगिरी काय असते ते दाखवून देत आहेत.
या स्पर्धेकरता ते खेळताय ही स्पर्धा त्याने ऑर्गनाइज केली आणि आता आमच्या समालोचन कक्षातन एक स्कोरर म्हणून ते कामगिरी पाहतायत. सज्ज होतोय गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं. यावेळेस चांगला चेंडू होता मुबारक खानला. चेंडू नीटसा जरी कळला नसला तरी फ्लाइंग स्लिपचा जो खेळाडू आहे त्यानं चेंडूला थांबवलं. त्यानं चेंडूला थांबवल्यानंतर कुठल्याही प्रकारची धाव त्या चेंडूवर आली नाही, त्यामुळे एक निर्धाव चेंडू नाही इथं मात्र सांगर झाली ती षटक क्रमांक 5 ची 5 षटकांचा खेळ इथे कंप्लीट झाला. या 5 षटकानंतर दाफलकावर 55 धावा. येणारे अंतिमचे 6 चेंडू कोणाच्या खांद्यावर विश्वास दर्शवला जाईल, कुठल्या गोलंदाजाला बॉलिंग मार्कवर आणला जाईल, कोण गोलंदाज वापरला जाईल टीम SRS रायडर्स कडनं, हे सर्व काही आपल्याला पाहायचे. सर्व काही प्रश्न आपल्याला जे पडलेत त्याची उत्तरं थोड्याच वेळात मिळतील, मात्र ती उत्तरं मिळण्याआधी आपण ऐकू सारंग बीट्स. शेवटचं षटक मला वाटतं कमलेश पटेल च्या हातामध्ये चेंडू दिला गेलाय. कमलेश पटेलला बॉलिंग मार्कवर आणलं गेलंय. कमलेश पटेल मागचं पर्व या खेळाडूने आपल्या नावावर करून घेतलं होतं. जबरदस्त इनिंग कमलेश पटेलने 2019 वॉल्यू प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून खेळल्या होत्या. या इनिंग या वर्षातही तो कारगीर साबित आहे या टीम करता. त्यांनाही चांगली खेळी केली. यावेळेस ऑन साईडला शॉर्ट पिच चेंडू आणि शॉर्ट पिच चेंडू जर होत राहिले तर वारीस सर्वच्या सर्व चेंडू बाउंड्रीलाईनच्या बाहेर निश्चित स्वरूपानं पोचवेल. यावेळेस तो पहिला शॉर्ट पिच चेंडू त्यानं भिरकावलाय, त्याला बाउंड्रीलाईनच्या बाहेर मिड विकेट बाउंड्रीलाईनला क्लिअर केलाय. षटकार 6 धावा. मॅच नंबर 6 कडे आपण यानंतर टॉस कडे जाणार आहोत. ऋतिका स्ट्रायकर्स आणि SPL सुपर किंग्स दोन्ही टीमचे कॅप्टन. आपण 6 षटकांनंतर तयार राहायचंय. षटकार तडाखा नंबर 2. मी म्हटलं होतं जर साधे सोपे सरळ चेंडू जर वारीसला टाकत राहाल तर मग ते बाउंड्री लाईनच्या बाहेर सहजतेने जात राहतील. यावेळेस षटकार क्रमांक 2 सज्ज होईल. पुन्हा एकदा कमलेश हा चेंडू मात्र चांगला होता. यावेळीची लाईन चांगली होती. फुलर लेंथवर चेंडूला हाताळलं आणि विकेट मिळाली. फलंदाज यावेळेस माघारी परतलेला. विकेटचं बदन फलंदाज बाधहून तबूत परत. त्यावेळेस ऑनसाईडच्या दिशेनं चेंडूला भिरकावलाय. जोपर्यंत फील्ड होईल एक धाव मिळेल एकेरी धावेने धावसंख्या 1 वाढते. जाऊन पोचते ती 68 धावा. 2 खणखणीत षटकार ज्यांना धाफलकाला एक चांगली चालना दिली. येणारे इथनं अंतिमचे 2 चेंडू असतील. या 2 चेंडूत कमलेश पटेल कमबॅक करेल की कमलेश पटेलच्या विरोधात हल्ला चढवला जाईल हे आपल्याला पाहायचं आहे. शॉर्ट पिच चेंडू स्लोवर 1 झेल होईल सोडलाय. सहज सोपा साधा झेल. मला वाटतं हा सामना खूप महागडा पडतोय तो सैजादला. सैजाद आधी गोलंदाजीत महागडा ठरला. शेवटच्या चेंडूवर त्याने विकेट्स मिळवल्या. त्यानंतर मग थोडीशी लगाम लागली मात्र यावेळेस पुन्हा एकदा त्याच्या हातातनं झेल सुटलाय. कमलेश पटेल यावेळेस ऑन साईडच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू जोपर्यंत उचलला जाईल एक धाव मिळेल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न इथं धोकादायक असू शकतो, त्यामुळे एकच धाव येते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न धोका होतोय. विकेट मिळते फलंदाजाला माघारी परतावा लागेल. आणखी एक विकेटचं बदन एक धाव आली एकेरी धावाने धावसंख्या जाऊन पोचली ती 70 या धावसंख्येवर. विजयाकरता आव्हान असेल 71 71 धावांचं. कशा पद्धतीने 71 धावा पूर्ण होतील या आपल्याला ऐकवण्याकरता मायक्रोफोनवर असतील दुसऱ्या इनिंगमधलं व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या सर. मात्र हरीश पांड्या सर मायक्रोफोनवर येतील त्याआधी आपण जाऊया टॉस बॉक्समध्ये जिथे आपल्याला आणखी एक महाराष्ट्राचा बुलंदा आवाज प्रशांत आदवडे सर पाहायला मिळतील. शुक्रिया अक्षय.
मैं अवधेश सरोज सर को विनती करूंगा, आपके कर कमल से टॉस हो रहा है तो आप टॉस वॉस की तरफ आइए। रुदिका स्ट्राइकर्स और एसपीएल सुपर किंग, दो बड़े टीम के बीच ये मुकाबला है, तो चलिए उस मुकाबले के टॉस की तरफ जाएंगे। एक ब्रेक के साथ सीधा टॉस वॉस की तरफ जाएंगे। शुक्रिया अवधेश सरोज यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जातो आहे, हेडचा कॉल झालाय, बघूया काय होते ते। आणि टॉस रुतिका स्ट्रायकर संघाने जिंकले। अवधेश सरोज सर आपल्याला विनंती करते आपण व्यासपीठावरती असतस्त बा। वाली प्रीमियर लीग सीझन 4 म्हणजे पर्व चौथा आहे, आणि या चौथ्या पर्वातला एक मोठा मॅच तुम्ही बघू शकता की इथे दोन मोठे खेळाडू आहेत, एका बाजूला धीरजला दुसऱ्या बाजूला ज्यानं अप्रतिम अशा प्रकारच्या सर्वाधिक धावा केल्या आहेत असा खेळाडू आहे, मात्र दोन्ही बॅट्समन खूप चांगल्या प्रकारची कामगिरी करत आहेत। रुतिका स्ट्रायकर आपने टॉस जीता है, क्या फैसला होगा? फील्डिंग करेंगे बहुत महत्वपूर्ण, धीरज झा आपके सामने है और ये मैच दोनों को जीतना बहुत जरूरी, खास करके आपके लिए, क्योंकि एक तरफ थोड़ा सा सेफ है धीरज, लेकिन ये मैच जीतते हुए वो थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, टॉप पे जाने की कोशिश करेंगे। तो क्या रणनीति होगी खास करके जब आप बॉलिंग करने के लिए आएंगे? रणनीति रहेगी कि कम से कम रनों पर रोके और बस कैसे भी करके ये मैच जीतना है। कैसे भी करके ये मैच जाते, कहाँ तक सीमित रखने की कोशिश करेंगे? 6 ओवर का मैच है, 36 गेंदे आपके पास है, 40 या 45। इस मैच में कोई बदलाव नहीं, सेम टीम। और जिस तरह से किससे उम्मीद, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई खिलाड़ी तो क्लिक नहीं हुआ है और इस मैच में क्लिक होना चाहिए आपको लग रहा है? सलाउद्दीन के ऊपर निगाह रहेगी। धीरज 40-45 की बात हो रही है, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आंकड़ा, क्या मैजिकल फिगर होगी? हम भी नॉर्मली खेलेंगे, जितना हो सके 55 से 60 तक कोशिश करेंगे। और कोई बदलाव होगा आज की टीम में जिस तरह से ये मुकाबला खेल रहे? तो जी हाँ, एक दो प्लेयर बेंच स्टैंड पे, तो उनको भी ये एक चांस है कि उनको एक मौका देना चाहिए, तो वो दो प्लेयर इन होंगे। कौन से खिलाड़ी है? सनी सिंह है और एक प्लेयर, मेरे को अभी नाम उतना कंफर्म नहीं है, मैं अभी देखता हूँ जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब, क्योंकि पहले बैटिंग कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा एक बैट्समैन भी ऐड करना ही पड़ेगा। आपको छोड़ के कोई और खिलाड़ी जो बेहतर करना चाहिए था इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में, तो वो कौन सा खिलाड़ी जो क्लिक होना चाहिए इस मैच में? इस मैच में मेनली मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता हूँ एक्चुअली जियाद और विजय पे, उन दोनों की बैटिंग जिस हिसाब से है, कलीम भी खेल रहा है, निसार भी सपोर्ट सब दे रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा जो मतलब मैच विनिंग जो इनिंग जो उनके तरफ से मुझे चाहिए। अब देखते हैं कि ये मैच में क्या होता है, जितना हो सकेगा हम खुल के ही खेलेंगे, ऐसा नहीं है कि गारंटीड है कोई प्लेस, जितना हो सकेगा टॉप 2 में फिनिश करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैच जितना बहुत जरूरी है। लेकिन एक सच्चाई ये तो है, धीरज झा को बल्लेबाजी करनी है, एक तरफ इनको मंसूरी साहब को भी बल्लेबाजी करनी है, अगर वे विकेट पे रहेंगे तो रन तो बहुत बनने वाले, बाकी बल्लेबाज तो मुझे लग रहा है सपोर्टर का रोल अदा करेंगे, 9 स्ट्राइकर से थोड़ा सा जाएंगे स्ट्राइकर की तरफ रोटेट करने की कोशिश करेंगे, वो सारी कहानी है। मैदान के अंदर भी एक बार फिर वो तैयारी हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रुतिका स्ट्राइकर ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। ऑल द बेस्ट दोनों के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो रुतिका वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, बैक टू कमेंट्री, बैक टू द मैच। एक बार फिर माइक्रोफोन पर हमारे साथ जुड़ रहे हमारे लीजेंड कमेंटेटर हरीश पांड्या सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए तानाजी और अशरफ की आपने जुगलबंदी देखी, अब धीरज झा और अशरफ मंसूरी के बीच में आप कुछ, दिवाली भले चली गई हो पटाखे आज फूट सकते हैं, अब किसके पटाखे फूटेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त जो मुकाबला है आई इक्विरा फाइटर्स और एसआरएस राइडर्स के बीच में, एसआरएस राइडर्स के दो ओपनिंग बैट्समैन मैदान में आ चुके हैं। आप देख रहे हैं वालिव प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण। हम बहुत बहुत आभारी है हमारे बॉल के स्पॉन्सर ओम साई होटल विजय पप्पू यादव, ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड बाय एसएस ब्रदर्स दीपक पवार एंड सूर्यकांत पवार, पीने के पानी के स्पॉन्सर है कृषा एंटरप्राइजेस, समीर कडूलकर, मैन ऑफ द मैच के मेडल्स, अंपायर्स और कमेंटेटर्स के टी शर्ट के स्पॉन्सर है सांबरे ब्रदर्स स्पोर्ट्स नीलेश सांबरे, टी शर्ट के स्पॉन्सर है कुमार चेतन भगत, स्वर्गीय मोहन भगत की स्मृति में ये टी शर्ट्स स्पॉन्सर हुए हैं, ट्रैकपैंट के स्पॉन्सर है राहुल आत्माराम घरत, पारिजात क्रेन सर्विसेज के सचिन पाईगांवकर, इनके हम विशेष आभारी है, दीविका एंटरप्राइजेस के संदेश पंडित, आनंद कंस्ट्रक्शन के आनंद मिस्त्री, जगदीश बोईर, महेश धनगर, कृष्णा एंटरप्राइजेस के बाबा टाकमोके,
संजय ट्रांसपोर्ट के संजू भाई, अवधेश सरोज, भावेश पाटिल, हमारे मैदान के पानी की व्यवस्था, संदेश पाटिल जिन्होंने पीने के पानी की व्यवस्था की, और मैन ऑफ द सीरीज का साइकिल जो है कृषा एंटरप्राइजेस समीर कडूलकर, इनके भी हम आभारी हैं। पहला ओवर लेकर आ रहे मनोज, स्ट्राइक पर है मुबारक और उनके साथी है कमलेश। मुबारक पिछले मुकाबले में लगभग पांचवें विकेट गिरने तक पिच पर डटे हुए थे और ये वो मैच है जिसमें वो जिताना चाहेंगे। मनोज तैयार। पहली गेंद बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ उठी और अंपायर अजीत मात्रे ने वाइड बॉल दिया और बॉलर को बताया भी कि आपने इस ओवर का एक बाउंसर कर लिया है, आप अब बाउंसर नहीं कर सकते। काफी अच्छा कद है मनोज के पास, स्टंप्स के करीब आकर धीमा लेग ब्रेक और ये भी वाइड दिया जाएगा। 10x की बॉल दरअसल में इतनी सख्त है, उसको ग्रिप करके टर्न करना यही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मनोज तैयार। एक और धीमी गेंद, इस बार क्रीज के करीब आकर पुल करने का प्रयास और फंस गए। आखिरकार मनोज ने आउट कर दिया बैट्समैन मुबारक को और मुबारक के जाते ही आई एक्विरा फाइटर्स के तमाम खिलाड़ी एक दूसरे को मुबारक हो कह रहे हैं। पहला विकेट SRS राइडर्स का। आए हैं इरशाद, इरशाद से रनों की मांग की जाएगी। मुबारक वापस आए हैं, इरशाद अब जुड़ चुके हैं कमलेश के साथ। बहुत ही लाजवाब टर्न। मनोज की गेंदें जब हवा में तैर कर आती है तो ऐसा लग रहा है कि ये गेंद मैं मैदान के बाहर मार सकता हूं, लेकिन वो लालच दे रहे हैं बैट्समैन को। रनों की जरूरत और रनों की लालच, ये दो में बहुत बड़ा फर्क है और ये फर्क पहचानना होगा SRS राइडर्स को। जबकि मनोज ने प्रभावशाली शुरुआत अब कर दी है, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जो लक्ष्य है 72 का। इस बार टप्पा खाते ही देखिए स्ट्रांग जोन में थी और सीधा पर्दे को लगने वाला पर्दा फाड़ छक्का। क्या बात है, प्योर टाइमिंग। जैसे एक शायर अच्छी गजल या शेर पढ़ता है तो लोग इरशाद इरशाद कहते हैं, इरशाद के ए सिक्स के बाद SRS राइडर्स के खिलाड़ी भी इरशाद इरशाद कह रहे होंगे जो बैटिंग उन्होंने की है। स्कोर है 8-1 विकेट के नुकसान पर, 0 पर आउट हुए मुबारक, जिनको कैच आउट किया संदीप सांबरे ने। बॉलर थे मनोज। इस बार सबमरीन बॉल काफी नीची रही। अब ये देखिए मनोज की ये खासियत है, उनकी गेंदें ऊपर भी रह रही है नीचे भी रह रही है, उनकी उंगलियों में जादू है। आई एक्विरा फाइटर्स का फाइटर प्लेयर मनोज। हाफ ट्रैकर बॉल और इस बार हुक कर दिया है फाइनल के ऊपर से कम 2 रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा 10 पर। 1 ओवर 10 रन 1 विकेट, अब 30 गेंदें बची है और 30 गेंदों में रन चाहिए 62। महेंद्र भगत स्वयं हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
वालीव प्रीमियर लीग का आज का चौथा दिन है। दोस्तों कल चार मुकाबले खेले जाएंगे बिल्कुल आईपीएल पैटर्न में, लेकिन कल कौन सी चार टीमें खेलेगी उसके लिए आज खेल होना जरूरी है। अगले मैच में रुतिका स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग ली है एसपीएल सुपर किंग्स के सामने। नया ओवर बॉलर कौन है ज्यादा संदीप सांबरे राइट आर्म राउंड और यहां पर टप्पा खाते ही देखिए बल्ले को घुमाया दे घुमा के और गेंद को सीधा सैर सपाटे पर भेजा छह रन के लिए। कमलेश के बल्ले से आता हुआ ये सिक्स और डेफिनेटली एसआरएस राइडर्स के खेमे में थोड़ी मुस्कुराहट। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल दिया है बॉल जा रही है बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री की जानिब दो रन डिक्लेयर्ड स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 पर अब 60 रनों की जरूरत है। एक छोटा सा करेक्शन है जो टारगेट है वो 71 का है 72 का नहीं है। क्या जबरदस्त गेंद को टर्न कराया था इस बार उंगलियों का जादू। ये पिच जो है सीमेंट कंक्रीट का होने की वजह से इस पे जो अमूमन उछाल है गेंद का वो सही है और ये पिच बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए मुफीद है। इस बार देखिए किस तरह से स्टंप्स की जड़ में वो गेंद को किया और बोल्ड आउट कर दिया स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी पर मिलने वाला फायदा। बैट्समैन है गणेश चार गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए वहां पर कमलेश। संदीप सांबरे की गेंद इस बार फिर से ललचाया था हुक करने के लिए। संदीप सांबरे की गेंदे ये बल्लेबाज को ललचाती है छलावनी गेंदबाजी, लेकिन ऐसा करते समय अगर शॉट बराबर टाइम नहीं हुआ तो विकेट जाने का बहुत बड़ा खतरा। एसआरएस राइडर्स और आई एक्विरा फाइटर्स के बीच ये मुकाबला एसआरएस राइडर्स 71 रनों का पीछा करते हुए। इस बार टप्पा खाती बॉल को पुल करना चाहते थे गेंद चली गई मिड ऑन की तरफ। संदीप सांबरे का एक बहुत अच्छा ओवर यहां पर अंजाम होता हुआ पहले ही बॉल पर सिक्स खाया था लेकिन उसके बाद क्या वापसी की है। पहली बॉल पर 6 रन और उसके बाद वाली 5 गेंदों में 2 रन देकर 1 विकेट यानी कि कुल मिलाकर स्कोर हो गया 12। यस यस स्कोर हो गया 18 हो गया है 53 बाई जाता
नया ओवर लेकर आ रहे हैं वारिस। वारिस ने बल्लेबाजी करते समय 7 गेंदों में 19 रनों की पारी खेली थी। वही वारिस अब हरफन मौला खिलाड़ी के रूप में गेंदबाजी के साथ इंसाफ करेंगे। इस बार टप्पा खाते ही उछाल दिया है और मैदान के अंदर कैद होते हुए आउट हो गए 6 बॉल में 8 रन बनाकर इरशाद। ये कैच लिया जमीर ने। अब आए हैं निशांत। ये मैच का एक नाजुक दौर है जब आई एक्विरा फाइटर्स मैच के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत कर चुकी है और एसआरएस राइडर्स जो है वो इस वक्त थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं। एक अच्छी भागीदारी चाहिए दो युवा खिलाड़ियों के बीच में। एक और लाजवाब गेंद स्टंप टू स्टंप। बहुत अच्छी शुरुआत करते हुए यहां पर गेंदबाज वारिस। वारिस एक और बढ़िया गेंद। सबसे बड़ी बात है बैट्समैन के शरीर की भाषा को पढ़ते हुए वारिस गेंद के टप्पे को गुडलेंथ पर रखते हुए बल्लेबाज थोड़ा संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। और वारिस जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो लिफ्ट का काम किया और गेंदबाजी करते समय स्पीड ब्रेकर एक बार फिर से नचाया। यह वारिस है। कोई भी कैप्टन चाहेगा वारिस जैसा ऑलराउंडर अपनी टीम में हो। इस ओवर की 4 गेंदे कोई रन नहीं बना है। इस बार 2 कदम आगे आकर उठा दिया और आखिरकार गेंद को मैदान के बाहर भेजने में कामयाब रहे बैट्समैन। ये लगा गगनचुंबी सिक्सर। गणेश के बैट से आता हुआ ये 6। ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 24, यानी कि अभी भी 47 रनों की जरूरत है बची हुई 18 गेंदों में। 18 balls 47 to win। मनोज ने अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद हमने देखा संदीप और फिर वारिस। नए गेंदबाज है गणेश। एक और अच्छी चीज जो मैं इस मुकाबले में देख रहा हूं कि आई एक्विरा फाइटर्स ने कोई भी बॉलर को दूसरा ओवर रिपीट नहीं किया है। ओहो, एक और अच्छी शुरुआत यहां पर, बिल्कुल इसी की जरूरत भी है। 17 गेंदे 47 रन। 17 balls 47 runs to win। 17 चेंडू 47 धावा। बहुत अच्छा क्लोज टू द बॉडी पुल कर दिया था और डीप मिड विकेट पर इसे रोका गया। 1 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 विकेट गिरी है कुल मिलाकर 3। 46 रनों की जरूरत है 46 रन्स टू विन द मैच। इस बार गैप में खेलने का प्रयास और कमर के बल झुकते हुए दर्शनीय कैच। वापस लौटना होगा बैट्समैन को।
आई एक्विरा फाइटर्स। साई कुमार ने कैच लिया और आउट होकर लौटे गणेश, पांच बॉल छह बनाकर। निशांत के साथ अब जुड़ते हुए नए बल्लेबाज, इस बीच एक रन। नियमित अंतराल पर विकेट गिरती जा रही है जो इस वक्त चिंता का विषय एसआरएस राइडर्स के लिए। पृथ्वी वॉरियर्स और एसपीएल सुपर किंग्स के लिए ये एक मौका बन रहा है आगे बढ़ने का। इस बार टप्पा खाते ही छाती के करीब से उसको हुक करने का प्रयास था, गेंद छाती के पर आई और वहां से गिर गई, दो रन। स्कोर 28 पर पहुंचा, चार विकेटों के नुकसान पर। 43 रन और चाहिए, 43 रन स्टिल रिक्वायर्ड टू विन द मैच। तेरा चेंडू 43 धावा। देखिए किस तरह से उस गेंद को निकाला था, लेंथ अच्छी थी लेकिन लाइन ने धोखा दिया। 13 गेंदे 42 रन, 13 चेंडू 42 धावा, 13 बॉल्स 42 टू विन। आप देख रहे हैं वालिव प्रीमियर लीग सीजन 4 का चौथे दिन का ये पांचवा मुकाबला। इसके बाद दो मैचेस बचे हैं आज के दिन के। ओवर पिच बॉल थी और ऊंचाई मिली पर अंतर नाप नहीं पाए थे और वहां पर एक और कैच ड्रॉप होता हुआ वारिस के हाथों। मुश्किल से दो रन हासिल किए, ओवर समाप्त होता हुआ 31। 40 रन चाहिए 12 गेंदों में, 12 चेंडू 40 धावा, 12 बॉल्स 42 विन। अब यहां पर कोई करिश्मा ही एसआरएस राइडर्स को यह मुकाबला जिता सकता है, और करिश्मा होता है, मैजिक होता है। बारह गेंदे 40 और स्ट्राइक पर है निशांत। निशांत के साथ जुड़ चुके हैं बल्ली। ड्राइव कर दिया आड़े बल्ले से कम एक रन। अब 11 गेंदे 38 रन, 11 चेंडू 38 धावा, 11 बॉल्स 38 टू विन। इस बार टप्पा खाते ही ऑन दी अप खेला था, एक रन 10 गेंदों में 37 रनों की जरूरत, 10 चेंडू 37 धावा, 10 बॉल्स 37 टू विन। अब आ गए हैं बल्ली। बल्ली के बाजू से गेंद गुजर गई, डिंग डोंग का वार्निंग बेल बजाती हुई। 9 गेंदे 37 रन, 9 चेंडू 37 धावा, 9 बॉल्स 37 टू विन। बल्ली ने एक आसान कैच दिया जरूर था लेकिन क्षेत्र रक्षक आगे थे, क्षेत्र व्यूह में वाइडिश लॉन्ग ऑफ से आकर अब गेंद को थ्रो किया, उसके पहले दो रन हासिल करते हुए बैट्समैन। और अंपायर बता रहे एक रन शॉर्ट। अब क्या कहेंगे इसको, मराठी में कहते खायला काळ आणि भुईला भार, उस तरह की सिचुएशन है, रन बन नहीं पा रहे। बल्ली बल्ली को अब अपना जलवा दिखाना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, कर डाल बल्ली। वाइड बॉल, एक अतिरिक्त गेंद करनी होगी, एक्स्ट्रा रन जोड़ दिया जाएगा स्कोर
36 और यहां पर बल्ली ने गैप में खेलने का प्रयास और बल्ली ने मचा दी खलबली। 6 रन। बल्ली इस बार ड्राइव करते हुए कम से कम 1 रन हासिल करेंगे, दूसरे की दौड़ लगाना चाहेंगे। जी हां, दौड़ते रहना होगा, कोशिश जारी रखनी होगी, कोशिशें कामयाब हो जाती है ऐसा कहा गया है। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 44 पर पहुंचा, यानी कि अब 6 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है। 7 चेंडू 27 दवा। कल तारीख है 31 और काफी लोग हो सकते हैं टल्ली, लेकिन आज रन बनाने पड़ेंगे 27 और बल्लेबाज है मैदान पर बल्ली। क्या बल्ली मचा पाएंगे आज खलबली? 6 बॉल में 27, अब कितने बॉल निशांत खेलते हैं, कितने बॉल बल्ली खेलते हैं। आखिरी ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज है गणेश। 4 विकेटें गिर चुकी है, पहला विकेट 2 पर, दूसरा 12 पर, तीसरा 12 पर, चौथा 25 पर। नए ओवर की पहली गेंद और इस बार कामयाबी के साथ खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। निशान पांच बॉल 21। निशान का कद छोटा है लेकिन क्या शॉट खेला था, पॉकेट रॉकेट। 5 बॉल 21, 5 चेंडू 21 दवा, बहुत करीब आ गया है। अगले 2 बॉल में 1 सिक्स लगना बहुत जरूरी है एसआरएस राइडर्स के लिए। 5 बॉल 21। जी हां, टूट पड़ा निशांत, उसने कर दिया लोगों को अशांत और ये लगा सुपर डुपर 6। क्या बात है, 4 बॉल 15। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, जो लड़ेगा वो जीतेगा। 4 बॉल 15। अब बेहतर बॉल थी, थोड़ा सा अब लय में आते हुए। गणेश की हालत इस वक्त उस ट्रांजिस्टर की तरह है जिसका रेडियो स्टेशन मिल नहीं रहा था, लेकिन थोड़ा ट्यूनिंग करने के बाद अब बराबर से सिग्नल पकड़ा है। ऐसे ट्रांजिस्टर की तरह गणेश की गेंदबाजी रही है आज। अब 3 गेंदे और 15। ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है मैच में जिंदा रहने के लिए। 3 बॉल 15। वाइड बॉल, 3 बॉल 14 रन। 3 बॉल 14 रन। शुरुआत के बल्लेबाज थोड़ा अगर रुक जाते तो शायद यह समीकरण इस वक्त बेहतर होता। 3 बॉल 14 रन गणेश वाली वेंट से, बैट्समैन है निशांत। बल्ली रन चाहते थे, मना किया निशांत ने। 2 बॉल 14 रन।
मान लीजिए अगर दो बॉल में दो सिक्स लग भी जाते फिर भी एक रन से मुकाबला तय हो जाएगा, और कहते हैं एक रन से मुकाबला नहीं हारना चाहिए, एक वोट से इलेक्शन नहीं हारना चाहिए, एक मिनट के लिए गाड़ी नहीं छूटनी चाहिए, चाहे वो विराट लोकल हो या वसई लोकल हो। इस बार केला स्क्वायरले की तरफ हमारे अंपायर आशुतोष व्यवहारे अपने सनग्लासेस में आ चुके हैं, बिल्कुल साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन की तरह उनकी मूछे हैं इन शेप। तो अब दो रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 रन, यानी कि 12 रन और चाहिए। आखिरी गेंद, दस रन से इस मैच को जीत लिया है आई इक्विरा फाइटर्स ने, मुबारक हो, आप वाकई में उसके हकदार हैं। और एसआरएस राइडर्स, इन्होंने कोशिश अच्छी की लेकिन प्रारंभिक बल्लेबाज और मध्यम क्रम के जो बल्लेबाज थे उसमें एक अच्छा प्रदर्शन जरूरी था। आखिरकार विजय तो विजय होता है, जो जीता वही सिकंदर होता है, और अभिनंदन आई इक्विरा फाइटर्स आपको मुकाबला जीतने के लिए। अगले मैच में आप